नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहिन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। सीएम विष्णुदेव साय झारखंड के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान उन्होंने महतारी वंदन योजना, लोकसभा चुनाव और कांग्रेस की बची 5 सीटों को लेकर अपनी बात रखी। अपने झारखंड दौरे को लेकर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि अभी पूरा चुनावी दौरा रहेगा, लोकसभा चुनाव का शंखनाद कभी भी हो सकता है, इसलिए मेरा चुनावी दौरा रहेगा। कांग्रेस की 5 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। इस पर सीएम साय ने कहा कि ये उनका मामला है। वही जब उनसे किसानों को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कल किसानों के लिए भी ऐतिहासिक दिन रहेगा। 24,72,000 किसानों को उनके धान का अंतर राशि 13,000 करोड़ से ज्यादा की राशि उनके खातों तक पहुंच जाएगी। अभी तो पूरा चुनावी दौरा रहेगा, लोकसभा चुनाव का संकनाद कभी भी हो सकता है, तो चुनावी दौरा रहेगा। रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय महापंचायत कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री पंचायती राज मंत्रालय कपिल मोरेश्वर पाटिल एवं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा द्वारा सतत विकास लक्ष्यों के स्थायीकरण के विशिष्ट कार्य करने वाले ग्राम पंचायतों को 9 थीम पर सम्मानित किया गया। राज्य स्तरीय महापंचायत कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री पंचायती राज मंत्रालय के प्रमुख कपिल मोरेश्वर पाटिल और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने हितग्राहियों को राशि का हस्तांतरण किया। भारत सरकार ने पंचायती राज मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत बस्तर और सरगुजा संभाग के 600 पंचायतों को कंप्यूटर हेतु 3 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के हितग्राहियों को आवास निर्माण हेतु किश्त की राशि का हस्तांतरण भी किया गया, जिसमें कुल 15,714 हितग्राहियों को कुल राशि 49,21,00,000 रुपए हितग्राहियों के बैंक खातों में सीधे प्रदाय किया गया। बात अटके है कि जी परान दे के काम करबे, जनता के सेवा करबे, पसीना बहाबे, कोई शॉर्टकट मत करबे, कोई शॉर्टकट मत करबे, मेहनत करके काम करबे संगी, मेहनत करके काम करबे, जनता के आशीर्वाद पक्का मिलते पक्का। मैं परमान होगा, परमानो बात के परमानो, जनता के आशीर्वाद बिन पैसा के मिलते, याद रखबे बातला, बिन पैसा के मिलते। अब एकर सेती गांव गांव से आए संगी संगवारी हो, मोर पंचायती राज के महू जिला पंचायत सदस्य आओ भैया, अभी ले आए चो मोला भी हटाए नहीं है तक, तो महू जिला पंचायत के सदस्य आओ और जनपद के सदस्य संगी संगवारी आए हैं, मोर ग्राम पंचायत के सबे सरपंच और उप सरपंच संगी आए हैं, सबे संगी संगवारी मल्ला, मैं निवेदन पूर्वक एक बात कहना चाहता हूँ कि हम सब के पंचायत के बीच आज महापंचायत में हम सब बैठे हैं और हमारे महापंचायत में बम्बई के रहैया, बम्बई के सांसद कपिल मोरेश्वर जी दिल्ली। तो मेरा आखिरी भाषण था, मैंने कहा अच्छा हुआ विधायक जी खाना खा के नहीं आए, नहीं तो हमारा क्या हो जाता। अभी मैं भी खाना खा के नहीं आया, आप भी खाना खा के नहीं आए, आपके और खाने के बीच में कितना देर रुकना है ये अभी मुझे सोचना है। मैं सबसे पहले तो शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आपने सारे छत्तीसगढ़ के हमारे सरपंच उप सरपंच सभी साथी को एक मंच पर लाकर सही मायने में विकास की मुख्य धारा में आगे बढ़ के काम करने के लिए उनको प्रोत्साहन देने का काम आपने किया, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि जितनी बड़ी जगह होती है उतना बड़ा घर नहीं होता है, और जितना बड़ा घर होता है उतना बड़ा दरवाजा नहीं होता है, और जितना बड़ा दरवाजा होता है उतना बड़ा ताला नहीं होता है, और जितना बड़ा ताला होता है उतनी बड़ी चाबी नहीं होती है। फिर भी हमें जब घर से बाहर जाना है तो एक चाबी के भरोसे कई दिनों तक हम घर को वो चाबी के भरोसे छोड़ के बाहर चले जाते हैं। अभी आप गांव के सरपंच हो, सरपंच भी गांव से बड़ा नहीं होता है, लेकिन आप वो गांव की चाबी हो।
प्रदेश की विष्णुदेव सरकार त्रिस्तरीय पंचायती राज में प्रत्याशियों के चयन के लिए चुनाव के अलावा वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में विचार कर रही है। इस संबंध में पंचायत प्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया जाएगा और सुझाव भी लिए जाएंगे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में इस ओर संकेत देते हुए कहा कि हम सभी पंचायतों में महतारी सदन बनाने वाले हैं। भाजपा शासन के दौरान नक्सली हिंसा बढ़ने की भूपेश बघेल की टिप्पणी पर जवाब देते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस के पिछले शासनकाल में 257 सड़कों में से 1 इंच भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ था। भाजपा नेताओं की हत्या और नक्सलियों से बातचीत पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या क्यों हो रही है, मैं भी ये समझना चाह रहा हूं कि ये कैसे हो रहा है, उन्हें अंतर कैसे पता। पंचायती राज माध्यम के माध्यम से जो काम होते हैं, हम लोगों ने अभी जो सोच कर रखा है यहाँ करने के लिए कि महतारी सदन बने, सभी पंचायतों में महतारी सदन बने। तो महतारी सदन का आशय ऐसा है कि एक ऐसा भवन, हर जगह गांव में जाते हैं ये बात होती है, बार बार आती है, महिलाएं ये कहती हैं कि हमारे बच्चे पर जगह नहीं है, वो मोहिम सब हो गई आ रहे हैं, हम उनका अमर पेट को हमारे फोन पर बैठक कर दो, हमारे जगह नहीं है, ये बात हमेशा आते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री के सामने में 800 रुपया प्रति हर एक महिला को देंगे, नहीं नहीं दे, कुछ नहीं था। दूसरी बात, जब अभी जो चुनाव हुआ तो उन्होंने, हमने तो कहा था कि 12,000 रुपया सालाना देंगे, उन्होंने कहा कि 15,000 रुपया सालाना देंगे, लेकिन उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये कटाक्ष जो है ना, मतलब आप सुने भी ना उनकी बात को, तो ज्यादा 43 भाजपा नेताओं को सुरक्षा दी गई, ऐसा नहीं लगता कि और लोगों को भी सुरक्षा दिया जाना चाहिए? निसंदेह सही कह रहे हैं आप, और भाजपा या कांग्रेस का कोई इसमें सरोकार नहीं है, कांग्रेस के भी नेताओं को सुरक्षा दी गई है। सुरक्षा तो सुरक्षा है भैया, जीवन तो जीवन है, वो चाहे किसी का हो, उसमें कोई ये बात नहीं है। जिसकी आवश्यकता होगी उसको फिर से सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, और पूरा प्रयास ये होगा कि हर तरफ सुरक्षा का ही माहौल हो, ताकि अतिरिक्त किसी को सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता ना हो। ताकि केंद्र की सरकार ने आरक्षण लाया है लोकसभा और विधानसभाओं में, ये बंधन के बारे में कहें आप, ऐसा इतना सामर्थ्यवान उनको हम बनाना चाहते हैं। इसी दिशा में प्रत्येक पंचायत में महतारी सदन प्रारंभ होगा, और उसी तारतम्य में आप देखें कि आज महतारी वंदन योजना ये प्रारंभ हो गया है, और 70 लाख से अधिक माताओं बहनों को साल में 12,000 रुपया दिया जाना यह प्रारंभ किया जा चुका है। जी आज बीजापुर गए थे, नक्सली फिर नेताओं पर हमला कर रहे हैं, अभी भी वार्ता के लिए रास्ता खुला है? देखिए, मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि नक्सलियों में अधिकतम लोग जो बहकावे के कारण हैं, दबाव के कारण हैं, उनसे वार्ता का समय सदैव खुला है, आधी रात को खुला है, और बिल्कुल सरकार हर समय ये तैयार है। ये जो कुछ हो रहा है ये दुखद है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बस्तर के गांव में अगर अस्पताल खुल जाए, बस्तर के गांव में अगर स्कूल खुल जाए, वहां तक आने जाने के लिए सड़कें बन जाए, ताकि कोई बीमार हो तो जल्द से जल्द उसको इलाज मुहैया कराई जा सके, वहां शुद्ध पानी मिल जाए, वहां पर बिजली पहुंच जाए, वहां मोबाइल का नेटवर्क पहुंच जाए, तो क्या गलत है इसमें, क्यों रोका जाता है इन बातों को? मोदी की पूरी होती गारंटी का स्वागत करते हुए कोरबा लोकसभा की भाजपा प्रत्याशी सुश्री सरोज पांडे ने कहा, आज महतारी वंदन योजना के लिए ऐतिहासिक दिन है। छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के सम्मान एवं स्वाभिमान का अभिनंदन प्रदेश की भाजपा सरकार ने किया है। मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए महतारी वंदन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की 70 लाख से भी अधिक मातृ शक्तियों को उनकी सम्मान राशि 1,000 रुपए प्रति माह प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आने के बाद सुशासन की पुनर्स्थापना हुई है, इसलिए प्रत्येक वर्ग के लिए लगातार कल्याणकारी कार्य किए जा रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ के महतारी दीदियों बहनों के लिए वो ऐतिहासिक दिन है जो सदैव सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज छत्तीसगढ़ प्रदेश में महतारी वंदन योजना का शुभारंभ किया। सभी बहनों को, करीब 72 लाख बहनों को 1,000 रुपए प्रतिमाह जो मोदी की गारंटी थी, आज वो गारंटी पूरी हुई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश की मातृशक्ति प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद करती है। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को भी बहुत धन्यवाद देती है कि आज उन्होंने जो वादा किया था वो वादा पूरा हुआ। मोदी की गारंटी मतलब पूरे होने की गारंटी है, और आज ये बात प्रमाणित हो गई है। छत्तीसगढ़ की मातृशक्ति बार बार आपको साधुवाद देती है, और आज के इस कार्यक्रम में सभी बहनों बेहद उमंग के साथ इस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की है।
मैं प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राजनांदगांव लोकसभा प्रत्याशी भूपेश बघेल रविवार को मां बम्लेश्वरी का दर्शन कर लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान की औपचारिक शुरुआत की। डोंगरगढ़ पहुंचे भूपेश बघेल का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। डोंगरगढ़ माता का दर्शन कर भूपेश बघेल स्थानीय गुरुद्वारा चंद्रगिरी तीर्थ बुद्ध विहार समेत सतनामी समाज के तीर्थ रावटे पहाड़ में भी माथा टेकने पहुंचे। इसके साथ ही रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल सभी कक्षाओं के लिए निशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल। एडमिशन ओपन। हमारा पता भक्त माता कर्मा चौक, छावनी, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9589309949, 9893999132। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर,
चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरे पर किसी प्रकार की झाइयां, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हां, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, यहां पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर भकंदर हाइड्रोसिल गुप्त रोग चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर भकंदर फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मल द्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा ना होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। मैया गुप्त रोग बवासीर भकंदर फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंगरीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। और भिलाई में 18 नंबर रोड पटेल डेयरी के पास कैंप 1 भिलाई। मोबाइल नंबर 8815536394। नालिका रोटावेटर का बादशाह, जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर वन हैवी ड्यूटी रेंज सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी शंखनाद हो चुका है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने सांसद संतोष पांडे पर एक बार फिर से भरोसा जताया है, वहीं कांग्रेस पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मैदान में उतार दिया है। दोनों ही प्रत्याशियों ने लोकसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया है। इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को एक दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राजनांदगांव प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता ली। उन्होंने भाजपा की सरकार पर जमकर निशाना साधा, वही कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस वार्ता में कहा, हमारी सरकार थी तो सभी योजनाएं सुचारू रूप से चल रही थी। हमने जो वादे जनता से किए थे उन सभी वादों को पूरा किया। भाजपा की सरकार आते ही योजनाओं को उनके द्वारा बंद कर दिया गया। पिछले लोकसभा चुनाव के बाद 16 लाख राशन कार्ड रद्द कर दिए गए थे। करने में कोई अड़चन न हो और उसमें बहुत उसका शानदार उसका प्रदर्शन रहा और प्राइवेट स्कूल से निकाल के सब लोग अपने बच्चों को स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल में एडमिशन कराए थे। अब जो सरकार ने उसे फिर से शिक्षा विभाग में मर्ज कर दिया गया, मतलब उसमें कोई अतिरिक्त उसका ध्यान नहीं दिया जाएगा जिस प्रकार से, और जो स्कूलों की स्थिति है, एकल शिक्षक रहेंगे, दो शिक्षक रहेंगे,
विषय के शिक्षक नहीं रहेंगे, उसी प्रकार की शिकायत इसमें भी आनी शुरू हो जाएगी। तो जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के जो कोशिश हमारी थी और जिसमें 750 स्कूल हम लोग संचालित कर रहे थे, अब वो गुणवत्ता वो नहीं रहेगी, इस बात को मैं कह सकता हूँ। उसी प्रकार के स्वास्थ्य योजना है, डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना है, वो भी बंद ही है। और साथ ही अब जो किसानों को आज स्थिति क्या है, जब हम सरकार में आए आपको याद होगा कि 2 घंटे के भीतर में जहां हमने ऋण माफी किया था, ये तो ऋण माफी के गृह मंत्री के उप मुख्यमंत्री की वीडियो सबके पास है, 2 लाख तक के किसानों का कर्ज माफ करेंगे, लेकिन किसी किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ। ये लोग जो 3100 रुपये देने की बात कहे थे, आपको उस समय भी याद, 2 घंटे के अंदर में हमने 2500 रुपये देने का फैसला किया और किसानों को सीधा भुगतान होने लगा था। आज इस सरकार बने 3 महीने से अधिक हो गया, अभी तक के किसानों को अंतर की राशि जो समर्थन मूल्य खरीदी हुई उसके भी राशि अभी तक नहीं मिल पाया है। आज सुने हैं कि महतारी वंदन योजना की राशि आज जारी की गई, पता नहीं उसमें भी कितनी तारीखें बदली, कितने बार डेट बदले गए और उसके बाद आज मिला है कि नहीं मिला है, आज मिला है, आज भी संडे है, वो किसी खाते में आया नहीं होगा, संडे में कैसे पता चलेगा। हाँ, लेकिन आप देखेंगे कि उस समय जब भाषण देते थे तो ये कहते थे कि गांव के महिला हो चाहे शहर के महिला हो, उससे लेकर कलेक्टर की पत्नी तक और घर में जितनी विवाहित महिला है सबको राशि। हमारे दुर्ग में तो भाषण दिए थे वो मनसुख जी, उसे केंद्रीय में भूपेश बघेल की पत्नी को 1000 रुपया महीना मिलेगा और ये लोग घर घर जा फॉर्म भराए थे। और अब महिलाओं को फॉर्म भरने के लिए इतने चक्कर काटने पड़े हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। वोट जब लेना था तो घर घर में जा फॉर्म भराए, अब जब वोट मिल गया सरकार बन गई तो लोग 1000 के लिए कितना चक्कर काट रहे हैं, सरपंच के पास, पार्षद के पास, बैंक में, तो फिर किसी के पास यदि जॉब कार्ड नहीं है या किसी के पास परिचय पत्र नहीं है, आइडेंटिटी कार्ड नहीं है या आधार कार्ड नहीं है तो उसके लिए चक्कर लगा रहे हैं। ये सारी बातें परेशानी होने के बाद भी 3 करोड़ जनसंख्या है इस प्रदेश में, जिसमें आधी आबादी हमारे यहाँ लिंग अनुपात बहुत बढ़िया है, 1.5 करोड़ आबादी महिलाओं की, अब उसमें 18 साल से कम यदि कहेंगे तो 50 लाख को भी निकाल दो 1 करोड़ का, और ये लोग दे रहे हैं 70 लाख, वो भी चुनाव तक के ही है। वैशाली नगर विधानसभा के पूर्व विधायक स्वर्गीय विद्यारतन भसीन ने अपने जीवंत के समय में अपनी निधि से कई विकास कार्यों के लिए राशि प्रदान की थी, जिसका विधिवत भूमि पूजन जिले के सांसद विजय बघेल के कर कमलों से संपन्न हो रहा है। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक स्वर्गीय विद्यारतन भसीन ने अपने अंतिम समय में अपने विधानसभा क्षेत्र के कई वार्डो में अपनी निधि से विकास कार्यों के लिए राशि देने का ऐलान किया था, परंतु इसी बीच उनकी आकस्मिक निधन से सारे कार्य रुक गए थे। अब इन कार्य को नए सिरे से प्रारंभ किया जा रहा है, जिसके लिए दुर्ग लोकसभा के लोकप्रिय सांसद विजय बघेल एवं वार्ड के स्थानीय पार्षद सहित स्वर्गीय भसीन जी की सुपुत्री दिव्या भसीन ने साथ मिलकर इन सभी विकास कार्यों का भूमि पूजन कर रहे हैं। इसी कड़ी में वार्ड 30 जो चारों वार्ड का केंद्र माना जाता है, वहाँ पानी टंकी के समीप विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन सम्पन्न हुआ। स्वर्गीय भसीन जी के रुके हुए कार्यों को पूरा होता देख दुर्ग सांसद विजय बघेल सहित स्वर्गीय भसीन जी की सुपुत्री दिव्या भसीन भी भावुक हो गई और उन्होंने वार्ड वासियों को इन विकास कार्यों की शुरुआत के लिए ढेरों बधाइयां दी। वहीं वार्ड 30 की पार्षद सत्या देवी जायसवाल ने वैशाली नगर के पूर्व विधायक विद्यारतन भसीन को याद करते हुए उनकी छवि का गुणगान किया। हमारे पूर्व विधायक सम्मानी भैया विद्यारतन भसीन जी अंतिम क्षणों में जिन कार्यों का स्वीकृति उन्होंने बड़े मन से भावना से की थी इस अपने क्षेत्र के जनता के सेवा के लिए, उसका हम सब मिलकर आज
लोकार्पण भूमि पूजन कर रहे हैं और लगातार ये तीसरा कार्यक्रम है। परसों भी लगभग 1 करोड़ की राशि की स्वीकृति जो हुई थी पूर्व में भैया विद्यारतन भसीन जी के द्वारा उसका, और अभी हम लोग कमला मेडिकल सुपेला में लगभग 70 लाख की राशि का कार्यक्रम संपन्न किया, और अभी यहाँ पर जो जलेबी चौक क्या बोलते हैं पानी टंकी के पास राम जानकी मंदिर के पास यहाँ पर लगभग 3 वार्डों का या 4 वार्डों का संगम है, वहाँ अभी 50 लाख रुपए की राशि का अभी लोकार्पण भूमि पूजन कर रहे हैं। और हमारे साथ में यहाँ माननीय भसीन जी की सुपुत्री दिव्या जी हैं, इस वार्ड की पार्षद सत्या जी और जालंधर जी, और एक कौन है राजू जी, प्रतिनिधि राजू, साथ साथ भाई हमारे जिला के सम्माननीय अध्यक्ष महेश वर्मा जी, सम्माननीय भोजराव सिन्हा जी, और सभी भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, स्वीटी कौशिक जी सब यहाँ उपस्थित हैं और इस वार्ड को और अच्छा बनाएं और माननीय स्वर्गीय विद्यारतन भसीन जी की परिकल्पनाओं को हम सब यहाँ साकार करें, उस भावना से आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारा सौभाग्य कि उस पुण्यात्मा के अधूरे कामों को हम सब मिलकर पूरा करने के संकल्प लिया है और उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे, इन्हीं कामना के साथ वार्डवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। कब तक शुरू हो पाएगा ये? ये तो भूमि पूजन हो गया, जल्दी से शुरू हो जाएगा। ये बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर उनने अपने वार्डवासियों के लिए जो सोचा था वो जाते जाते उस कार्यों के लिए वो राशि करवा पाए, और आज भैया के हाथ तो उनका भूमि पूजन हुआ, भैया और पापा का, मेरे को भैया पापा जैसे ही छवि दिखती है तो भैया के हाथों हो रहा है, इस बात की बहुत खुशी है और वार्डवासियों को सबको बधाई, और पापा का सपना पूरा हो रहा है तो खुशी तो हो रही है। 4 वार्डों का सेंटर होने के वजह क्या होता है कि हमारे वार्ड से जुड़े हुए जो वार्ड हैं उनमें भी सभी कार्य होने हैं, और ये कार्य जो होने हैं भसीम जी के द्वारा उनकी निधि से हम लोगों को प्राप्त हुआ है, और आज तो भसीम भैया हम लोग के साथ में नहीं हैं लेकिन उनका काम बोल रहा है और उनका काम आज पूर्ण तरह से होने जा रहा है। इस काम को करने के लिए, भूमि पूजन के लिए हमारे श्री विजय बघेल जी उपस्थित हुए थे यहाँ पे, और विजय बघेल हमारे सांसद, लाडले सांसद, हम सबके चहेते सांसद, और उनके द्वारा आज यहाँ पर पूजा किया गया, भूमि पूजन, और जो हमारे स्वर्गीय विद्यारतन भसीम जी हैं उनके कार्यकाल का काम जो होना था वो आज संपूर्ण होने जा रहा है, और उनकी सपुत्री विद्या भसीम जी भी उपस्थित रहीं इस कार्यक्रम में, और भैया तो नहीं हैं लेकिन भैया का काम सर चढ़कर बोल रहा है। जैसे कि भैया, हम जब भी हम भैया को मिलते थे और ये कहते थे कि भैया हमारे वार्ड में ये काम होना है, तो भैया इतने ही अच्छे थे, इतने ही सरल स्वभाव के थे कि वो तुरंत ही उस काम को स्वीकृति दे दिया करते थे कि जाइए आप करिए, क्या काम करना चाहते हैं ऐसा बोलते थे। वैसे तो क्या बोलूँ, अब भैया तो नहीं है, उस चीज़ का हमें बहुत दुख है, भैया के जैसे सरल स्वभाव नेता होना बहुत मुश्किल है और उनके जैसा नेता हमने अभी तक नहीं पाया, और बहुत कम समय मिला हमें उनके साथ रहने को, और तो हम चाहते थे कि भैया अगर और आगे भी होते तो हम सभी को सीखने के लिए उनसे बहुत कुछ मिल सकता था, क्योंकि भैया बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। उनके साथ बैठना, उनके साथ बैठने का मतलब है कि हमें ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं मिलना, बस ज्ञान ही ज्ञान प्राप्त होता था। तो इस चीज़ को हमें बहुत दुख भी है कि भैया हम सबके साथ नहीं हैं, लेकिन इस चीज़ का खुशी भी है कि भैया का जो कार्य था, जो वादा किया था भैया ने, वो कार्य आज पूर्ण होने जा रहा है। वार्ड 30 में हुए भूमि पूजन के आयोजन में वार्ड 30 में बनने वाले सियान सदन और एक डोमशेड जहां शामिल हैं, तो वहीं पास के अन्य वार्ड में एक डोमशेड एवं सामुदायिक भवन भी शामिल है। एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई नगर निगम क्षेत्र में लाखों रुपए खर्च कर लगाए गए वाटर एटीएम में भ्रष्टाचार करने तथा अधिकतर वाटर एटीएम बंद होने की शिकायत लेकर पहुंचे आम आदमी पार्टी ने कलेक्टर से मुलाकात की। नगरपालिका निगम भिलाई के क्षेत्र में विधायक निधि तथा पार्षद निधि से अलग अलग वार्डों में लगाए गए वाटर एटीएम की शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सोमवार को दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी से मुलाकात कर अपनी शिकायत दर्ज कराई।
साथ ही बताया कि जिसको जनता को शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लगाया गया था, जिसमें अधिकतर वाटर एटीएम बंद है। इन वाटर एटीएम को लगाने में जनता के टैक्स के लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन उसका लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है। कुछ वाटर एटीएम तो सिर्फ उद्घाटन के समय तक ही चले, उसके बाद आज तक वो वाटर एटीएम बंद पड़े हुए हैं। उसके बाद किसी ने उन सभी वाटर एटीएम को चालू करने की कोशिश तक नहीं की। साथ ही उन्होंने बताया कि सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार एक वाटर एटीएम की लागत लगभग 10 लाख रुपए है। 10 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी इसका लाभ हुडको की जनता को नहीं मिल पा रहा है। ऐसा ही मामला हुडको श्रीराम चौक पर लगा वाटर एटीएम उद्घाटन के दिन से तक ही चला, उसके बाद से ये बंद पड़ा है। साथ ही सेक्टर 10 सड़क 28 के पास लगा वाटर एटीएम भी बंद है और पावर हाउस मदर्स मार्केट के पास लगा वाटर एटीएम, इसकी लागत लगभग 40 लाख रुपए थी। ये वाटर एटीएम 40 दिन तक नहीं चल पाया। इस संबंध में शामिल लोगों ने प्रतिक्रिया दी। हर सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार पूरा व्याप्त है, यही हाल वाटर एटीएम का भी है। ये सिर्फ भिलाई की बात नहीं है, पूरे प्रदेश में और दुर्ग शहर में भी यही हाल है। दुर्ग शहर में भी शायद ही कोई एटीएम वाटर एटीएम जो चालू होगा। ये वाटर एटीएम बहुत अच्छा कंसेप्ट था कि लोगों को कम से कम गर्मी के समय में पानी मिल जाए, शुद्ध पानी मिले और लोग अपने प्यास बुझा सके कम से कम उसका भुगतान करके। लेकिन सरकार जिस प्रकार से हर जगह भ्रष्टाचार है सरकारी विभाग में, ये वाटर एटीएम भी उसी की भेंट चढ़ गया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम पानी तो पिलाए लोगों को, स्वच्छ पानी को तो पिलाए, नहीं तो फिर से हम पुराने जमाने में जिस प्रकार से तालाब से पानी पीते थे उस प्रकार से हमको तालाब से पानी पीना पड़ेगा। मैं पत्रकार भाइयों से एक सवाल करना चाहता हूं कि आपने आज तक 40 लाख का वाटर एटीएम कहीं देखा है? भिलाई में पावर हाउस के पास सी मार्ट जो मदर्स मार्केट था, वहां पे 40 लाख का वाटर एटीएम लगा है और वो आज तक अभी चालू नहीं हुआ, लेकिन भुगतान पूरा हो चुका है। हुडको में श्रीराम चौक पर 10 लाख का वाटर एटीएम लगा है, सेक्टर 10 में 10 लाख का वाटर एटीएम लगा है। ये सारे जितने भी लाखों करोड़ों रुपए के वाटर एटीएम लगे हैं सारे आज बंद हैं। वैशाली नगर गर्ल्स कॉलेज के सामने जो वाटर एटीएम लगा है वो भी बंद है, पिछले साल भी हम लोगों ने शिकायत की थी। ये सिर्फ उद्घाटन दिन के दिन चालू रहते हैं, बाकी उसके बाद बंद रहते हैं। उनका मेंटेनेंस वगैरह का सबका पैसा निकल रहा है, लेकिन लोगों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। जैसे विधायक निधि से पैसे निकले, पार्षद निधि से पैसे निकले, लेकिन जनता को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। इसी शिकायत को लेकर आज हम लोग कलेक्टर मैडम के पास आए थे और इसके ऊपर हम लोगों ने जाँच की मांग की है और वापस सारे वाटर एटीएम चालू हों जिससे जनता को उनका लाभ मिले। भिलाई नगर पार्षद विधायक निधि और पार्षद निधि से कई वाटर एटीएम लगे हुए हैं। आप भिलाई नगर माने जितने भी वाटर एटीएम लगे, पिछले साल आम आदमी पार्टी ने भी कंप्लेन किया था पिछले बार भी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर से गर्मी का मौसम आ गया जहां पानी के कई वाटर एटीएम भिलाई नगर में बंद है जो पार्षद निधि और विधायक निधि से लगे हुए हैं, तो उसकी कंप्लेन लेकर आज हम कलेक्टर में शिकायत करने आए थे। लगभग कई वाटर एटीएम है जिसकी लागत 40 लाख कोई 10 लाख के हैं, जो कि एक दिन बस उद्घाटन हुआ है जिसके बाद दूसरे दिन उसको बंद कर दिया गया। ये शायद बकाई इसमें भ्रष्टाचार के मामले हैं जिसे माने इसको किसी नेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब किया गया। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग पुलिस की 112 द्वारा ड्राइवर के साथ जबरन मारपीट किए जाने से आक्रोशित ड्राइवर संघ ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। वही प्रदर्शन के दौरान दुर्ग कलेक्टर का रास्ता रोक कर अपनी फरियाद सुनाई। जेवरा सिरसा चौकी स्थित 112 के पुलिस आरक्षक द्वारा बजरंग राइस मिल में कार्यरत चेतन यादव के साथ जबरन इन पुलिस द्वारा मारपीट किए जाने से आक्रोशित ड्राइवरों ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही पैदल नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और दोषी पर कार्रवाई की मांग की और आक्रोश जताया। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर से निकले दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी का इन ड्राइवरों ने रास्ता रोककर जमकर प्रदर्शन किया और दुर्ग कलेक्टर से मुलाकात कर अपनी फरियाद सुनाई। इसके बाद दुर्ग कलेक्टर ने ड्राइवर संघ के पदाधिकारियों से चर्चा की, तब जाकर मामला शांत हुआ। इस संबंध में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। बीच बचाव गए थे
मतलब सुधारसा करने के लिए एक्सीडेंट हुआ था, दो गाड़ी वहाँ गया था तो नेतागिरी वाले आ गए वहाँ पास। उसके बाद में चले मेरे साथ, फिर मैं वहाँ से चले गया, नेतागिरी वाला भेजा तो रूम में चले गए अपना, हेमार लोग रहते वहीं, फिर वहाँ से उन लोग ना अपन अपन है करके चले गए। उसके बाद पुलिस वाले आया, मेरे रूम से निकाला और मारना चालू कर दिया, कुछ नहीं बोला है, सीधा बुलाया इधर आ करके और वहीं से मारना चालू कर दिया। उसको बर्खास्त करना है, बर्खास्त करना है, दो जने थे, दोनों मारा, वीडियो भी हम लोग के पास पूरा है। हमारे देखने वाले, सुनने वाले और सभी सारथी भाई एवं पूरे समाज को मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि अभी जो मुद्दा है वो हमारे सारथी भाई के लिए है, चेतन यादव जी के लिए, जो बजरंग राइस मिल में कार्यरत था और कार्य में थे। उस बीच में लगभग 11:30-12 बजे रात को एक दुर्घटना हो गई थी। एक सवारी गाड़ी थी जिसमें फैमिली गाड़ी थी, फैमिली थे, और एक जो भाजपा कार्यकर्ता के गाड़ी थे, उनके जो ड्राइवर हैं वो शराब के नशे में थे, वो नशे में धुत होकर गाड़ी चला रहे थे और खुद वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो सवार थे। उस बीच में जो फैमिली गाड़ी है उनमें टकराव हुई, उस बीच आपस में दोनों में मतभेद होने लगा। तो उसके बीच बचाव के लिए जो, क्योंकि हमारे सारथी भाई वहाँ राइस मिल के पास जो घटना घटित हुई है वहाँ मौजूद थे, उस बीच बचाव में चेतन यादव और हमारे सारथी भाई गए हुए थे जो वर्दीधारी हैं, उनके बीच में समझौता होने के कारण से जो पुलिस वाला हैं वो हमारे सारथी भाई को नेतागिरी करा करे धक्का मुक्की किए, उनके बावजूद भी हमारे जो सारथी भाई है कुछ नहीं किए, क्योंकि शासन प्रशासन को, कानून को अपने हाथ में लेना मना है, कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता है। तो इस विषय में समझौता होने के बाद जो पुलिस प्रशासन के कर्मचारी हैं 112 में जो घूमते हैं, उनके माध्यम से राइस मिलन में जा करके रूम से उठा करके उनको उनके साथ मारपीट किया गया और जेवरा थाना लाया गया था। उसी संबंध में हम लोग आए हुए हैं। चेतन यादव जी के जो पुलिस कर्मियों के द्वारा मारपीट किया गया है उनको बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं पूरे ड्राइवर समाज की ओर से। तो हमारे माननीय कलेक्टर महोदया जी से निवेदन है कि हमारी बातों को सुनी जाए। जय सारथी, जय भारत। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन प्रदेश उपाध्यक्ष हीरा सिंह नेताम बोल रहा हूँ और आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार। और आज हम दुर्ग जिला कलेक्टर में इसलिए उपस्थित हुए हैं कि हमारी मांगों को सुना नहीं जाता। कभी भी किसी भी मांग को रखते हैं तो हमको या तो अंश दिया जाता है, उसका पूरा तरह से कभी नहीं मिल पाता, या फिर नकार दिया जाता है सीधे तौर पर। और यही कारण है कि आज हमको मैदान पर उतरना पड़ा है, नहीं तो हम सीधे साधे गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, हमको क्या पड़ी है कि किसी शासन और प्रशासन को तंग करें। आज हमको अपना रोजी रोटी छोड़कर यहाँ तक आने का ज़रूरत क्या पड़ा था? इसका कारण ये खुद हैं जो ये क्रिएट किए हैं, ऐसा तैयार किए माहौल जो हमको यहाँ तक पहुँचने के लिए, इनके जिम्मेदार ये खुद हैं। और आकर मामला को यहाँ पर सुलझाएंगे नहीं तब तक ये मामला नहीं सुलझ सकता। और इस मामले को सुलझाने के लिए माननीय कलेक्टर महोदय जी को सामने आना होगा। अगर यहाँ से इसको नकार दिया जाता है तो हम आने वाले दिनों में दुर्ग बंद करेंगे। दुर्ग बंद करने पर कार्यक्रम नहीं होगा तो हम पूरा छत्तीसगढ़ बंद करेंगे। छत्तीसगढ़ बंद करने से भी हमारा काम पूरा नहीं होगा तो हम वादा करते हैं कि पूरा राष्ट्र बंद करेंगे। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। शिक्षण के क्षेत्र में भिलाई के अग्रणी संस्था सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज में विद्यार्थियों के आत्म आकलन हेतु प्रति सप्ताह टेस्ट श्रृंखला आयोजित की जाती है। इसी कड़ी में रविवार को भी टेस्ट श्रृंखला का आयोजन किया गया। रविवार को आयोजित टेस्ट श्रृंखला में विद्यार्थियों का उत्साह वर्धन करने सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज की पूर्व छात्रा एवं शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर श्रुति दुबे उपस्थित हुई। उन्होंने विद्यार्थियों का उत्साह वर्धन कर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के सूत्र दिए। सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज में विद्यार्थियों के आत्म आकलन के लिए टेस्ट श्रृंखला आयोजित की जाती है। हर सप्ताह टेस्ट श्रृंखला में उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को यहां के पूर्व छात्र जो कि आज विभिन्न स्थानों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं उन्हें आमंत्रित कर उनके द्वारा ही उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाता है। इसी कड़ी में इस सप्ताह की टेस्ट श्रृंखला में उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत करने डॉक्टर श्रुति दुबे पहुंची। श्रुति दुबे 2003 बैच की यहां की पास आउट है और वर्तमान में शंकराचार्य हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रही है। विशेष रूप से शामिल डॉक्टर श्रुति दुबे ने विद्यार्थियों से यहां पर चर्चा की, साथ ही कई सारे डाउट्स विद्यार्थियों के क्लियर किए और उचित टिप्स दिए। आखिरी के जो 40 दिन है आप उसको थोड़ा सा और कट शॉर्ट कर लो। आखिरी के जो 30 दिन है उसमें कुछ भी नया नहीं पढ़ना है ना। ऑलरेडी सर लोग कोर्स पूरा कंप्लीट करा चुके होते हैं। टेस्ट सीरीज में टेस्ट के साथ साथ रिवाइज होते हुए पता भी चलता रहता है
कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है ना। अब इस मोमेंट में कुछ क्वेश्चंस होंगे रिवीजन में भी, जैसे आप 100 क्वेश्चन का सेट कर रहे हो, एक एग्जांपल बता रहे, एक दिन में तो कोई 500-800 क्वेश्चन नहीं लगा पाता है। आप 100 क्वेश्चन यदि इफेक्टिवली 100 कर रहे हैं, उसमें आपको क्या होता है 80 आपसे बन रहे हैं, 20 नहीं बन रहे हैं। जो 20 नहीं बन रहे हैं उसमें से 10 ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही नहीं बन रहे हैं, और 10 वो हैं जिसमें बी के बजाय सी लग रहा है, सी के बजाय डी लग रहा है। तो वो जो सी और डी, बी और सी वाले हैं ना, वो हैं जो आपको गेम जिताएंगे या आपका गेम लूज कराएंगे। क्यों? क्योंकि आदमी कन्फ्यूजन में ही वहाँ उल्टे जाता है ना। जो नहीं बनता उसमें तो कोई हाथ डालता नहीं है, कोई भी जो समझदारी में अटेम्प्ट लेता है वो जो नहीं आता उसमें तुक्का नहीं मारता। अपने ही संस्थान में मुख्य अतिथि बनने का अनुभव हमसे उन्होंने साझा किया, तो वहीं कॉलेज के डायरेक्टर ने भी इसका उद्देश्य बताया। हमेशा ही बहुत गौरवान्वित महसूस होने वाली बात है ये। मेरा नाम डॉक्टर श्रुति दुबे, मैं ENT सर्जन हूँ। प्रेजेंटली एज एसोसिएट प्रोफेसर काम कर रही हूँ शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में। यहाँ से ही जो कुछ भी मैंने बना है और यहाँ वापस आने में बहुत अच्छा लगता है। उनका हमेशा हर बच्चे को कई साल से यही कहना कि मुझे पूरा विश्वास है तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, और हर सुनने वाला बच्चा यही सोचता है कि वो मेरे लिए कहा गया है। मेरा पर्टिकुलरली कहना है कि सोशल मीडिया का अपना पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ है, पर अभी ये भी सोचने पे टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, बेटर है अभी उससे दूर रहना चाहिए। स्टडी मटेरियल साल भर में बहुत जमा हो चुका है, अब टाइम है उसी को बार बार रिवाइज करने का और खान पान में ध्यान रखने का। और एक बार सिलेक्शन हो जाने के बाद आपके पास बहुत समय है सोशल मीडिया सब कुछ में घूम के खूब सर्फिंग करने का। देखिए 2003 बैच का सिलेक्शन है श्रुति का, और वर्तमान में शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर है ENT में। अपने बच्चों को मुख्य अतिथि बनाना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि सबसे पहली सफलता तो उसमें हमारी है कि जो बच्चा आज सफल और हमारे यहाँ मुख्य अतिथि है, इसका मतलब जो बच्चे निकल रहे हैं हमारे यहाँ से वो समाज को कुछ दे रहे हैं और समाज में उनका कुछ नाम है। तो एक उद्देश्य ये है कि हम दूसरे सेक्टर से या दूसरे लोगों को मुख्य अतिथि क्यों बनाएं जब हमारे पास एक रेंज है इतनी बड़ी जिनको हम मुख्य अतिथि बना सकते हैं। हमारे 30 वर्षों के इस सफ़र में 3000 से ज़्यादा MBBS डॉक्टर बन चुके हैं, बन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 3000 लोगों को मुख्य अतिथि बनाते बनाते तो अच्छा समय लगेगा। सचदेवा न्यू PT कॉलेज बेहतर शिक्षा देते हुए विद्यार्थियों को उनके लक्ष्य तक पहुँचा रहा है। वहीं आयोजित रेस श्रृंखला भी विद्यार्थियों के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। ACN न्यूज़ के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ACN न्यूज़ के साथ। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय पब्लिक स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण, उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही CCTV कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी, अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय पब्लिक स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय पब्लिक स्कूल में सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता उदय पब्लिक स्कूल, उदय कॉलेज, नियर ACC बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8349381497। तो जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है उदय पब्लिक स्कूल। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं नर्सरी से कक्षा 8वीं तक। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निशुल्क प्रवेश स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए। इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है।
सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है, पुस्तकालय सुविधाएं हैं, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहां मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को रोकने एवं न्याय मिलने को लेकर शिव शक्ति महिला समिति ने अपनी 5 सूत्री मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। शिव शक्ति महिला समिति के बैनर तले सोमवार को बड़ी संख्या में पहुंची महिलाओं ने महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार के नाम तुर्क कलेक्टर को पश्चिम बंगाल के संदेश खारी में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को रोकने एवं न्याय मिलने को लेकर शिव शक्ति महिला समिति ने अपने 5 सूत्री मांग को लेकर दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के संदेश खारी में नारी शक्ति पर अत्याचार का विगत वर्षों से हो रही घटना से हर किसी का सर शर्म से झुक गया है। संदेश खाली में महिलाओं, बच्चों एवं परिवारों और मानवीय अत्याचारों का हमारी संस्था भरसक विरोध करती है, जिस पर महिला समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार पर निशाना साधते हुए भारत की माननीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू के नाम दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी को ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। आए हुए हैं यहाँ पे कलेक्टर को आवेदन देने के लिए, और हमारी जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, उनके तक भी हम गुहार लगा रहे हैं कि जो पश्चिम बंगाल में जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उनको न्याय मिलना चाहिए। ममता बनर्जी खुद एक स्त्री हो के, एक नारी हो के नारी का सम्मान नहीं कर रही हैं, उनके लिए बहुत शर्मसार बात। और अपनी निकम्मी सरकार को वो ध्यान दें ताकि उन नारियों का अच्छे से सम्मान हो, वहाँ सबको न्याय मिले। बंगाल में जो भी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए। जो दोषी हैं वो तो घूम रहे हैं ऐसे, और जो नहीं है उनको पर कार्रवाई हो रही है। तो ये चीज़ों पे ध्यान दिया जाए और निकम्मी सरकार है वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, ये हमारी मांग है। NGO है शिव शक्ति महिला समिति, उसकी मैं अध्यक्ष हूँ नीता चौरसिया। कलेक्टर महोदय के पास में आए थे राष्ट्रपति के नाम पे, हम लोगों ने संदेश खाली में जो अत्याचार हुआ था उनका ज्ञापन सौंपने के लिए। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से सरकार चल रही है, महिलाएं इतनी असुरक्षित हैं। संदेश खाली में जो आपको जानकारी होगा कि महिलाएं खुल के रोड पे आके कह रही हैं कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, उनका यौन शोषण हो रहा है। सरकार में वो गई, पुलिस प्रशासन में गए उनका वो लिखने के लिए रिपोर्ट, और रिपोर्ट FIR दर्ज तक नहीं किया गया। अब महिलाएं खुल के सामने आ रही हैं, उनमें 3 आरोपी हैं, शहजाद
शेख हैं, शिबू हजरा हैं, उत्तम सरदार हैं, ये तीन हैं जो कि दोषी हैं। दोषी के खिलाफ में कार्रवाई ना करके जो दोषी नहीं है उनके खिलाफ में कार्रवाई कर रहे हैं और महिलाओं के साथ यौन शोषण हो रहा है, वो बता रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। पति को बताते अगर पति विरोध करते हैं तो उस विरोध का उनको खामियाजा भुगतना पड़ता कि उसको मारा पीटा जाता है और इस प्रकार से महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है जो महिलाएं शर्मनाक स्थिति में हैं कि वो बोल नहीं पाती हैं यौन शोषण के विषय में। अगर वो बाहर आई हैं उसके बावजूद भी वहाँ की सरकार निकम्मी है और उनको नहीं न्याय दिला पा रही है तो हम ये मांग करते हैं कि ऐसे सरकार को बर्खास्त करें और राष्ट्रपति। एसी न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग रेलवे स्टेशन में वेंडर द्वारा यात्री के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है जिसमें दुर्ग आरपीएफ ने वेंडर को गिरफ्तार कर लिया है। आए दिन रेलवे स्टेशनों में वेंडरों द्वारा किए जा रहे लापरवाही और सफर कर रहे यात्रियों के साथ मारपीट किए जाने की शिकायत सामने आ रही थी। इसी कड़ी में पिछले दिनों दुर्ग रेलवे स्टेशन में वेंडर चंदन सोनकर द्वारा सफर कर रहे यात्री के साथ दुर्व्यवहार कर मारपीट की गई, जिसकी खबर लगते ही दुर्ग आरपीएफ के अधिकारी मौके पर पहुंचे। आरोपी वेंडर चंदन सोनकर मुखर्जी नगर उरला को हिरासत में लिया। गौरतलब है कि सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार इन दिनों रेलगाड़ियों में अवैध वेंडरों की भरमार हो चली है जिसके चलते ये लोग अपना गुट बनाकर यात्रियों को परेशान और हलाकान करते देखे जा रहे हैं, जिस पर ना तो जीआरपी और आरपीएफ का दबाव नजर नहीं आता और ना ही इनकी मनमर्जी को रोकने का प्रयास किया जाता है। नतीजतन सफर कर रहे यात्रियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बता दें दुर्ग स्टेशन में मामूली सी बात को लेकर वेंडर और यात्री के बीच बहस हुई, इसके बाद वेंडर ने यात्री की जमकर पिटाई कर डाली। दुर्ग रेलवे स्टेशन में वेंडरों के नाम पर बाहरी लोगों का कब्जा है। अवैध तरीके से काम करने वाले इन वेंडरों का स्टेशन पर इस कदर दबदबा है कि रेलवे के स्थानीय अधिकारी भी इनसे उलझने डरते हैं। अगर बाहर से आने वाला रेलवे अधिकारी जाने अनजाने में इनकी गलत गतिविधियों पर आपत्ति दर्ज करता है तो वेंडर एक होकर उस पर ही पील पड़ते हैं, जिसका उदाहरण चंद महीनों पहले भी देखा गया था जब रेलवे निरीक्षक की इन लोगों ने जमकर पिटाई कर डाली थी। हालांकि उस वक्त मामले में कार्रवाई की गई लेकिन समय गुजरने के बाद हालात पहले जैसे ही हो गए। अब देखना होगा कि रेलवे प्रशासन इस तरह की समस्या से निपटने कैसी पहल करता है जिससे सफर कर रहे यात्रियों को परेशानियों से बचाया जा सके। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। अनुभूति श्री फाउंडेशन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सिविक सेंटर में सैनिटरी पैड देकर क्राउन पहनाकर महिलाओं का सम्मान किया गया। इस मौके पर महिला पुलिस अधिकारी मोनिका पांडे विशेष रूप से शामिल हुई। अनुभूति श्री फाउंडेशन के द्वारा बीते 8 वर्षों से महिला उत्थान के लिए महिलाओं के सम्मान के लिए कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में शहर के हृदय स्थल सिविक सेंटर रथ पार्क के सामने अनुभूति श्री फाउंडेशन के द्वारा विशेष कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति का सम्मान करते हुए यहां पर महिलाओं को क्राउन पहनाकर साथ ही सैनिटरी पैड देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर महिला पुलिस अधिकारी मोनिका पांडे विशेष रूप से शामिल हुई, उन्हें भी क्राउन पहनाकर सम्मान किया गया। अनुभूति श्री फाउंडेशन के द्वारा इसका उद्देश्य इस प्रकार से बताया गया। अनुभूति श्री फाउंडेशन 10 मार्च को आज सिविक सेंटर के अर्जुन रथ पर महिला दिवस का कार्यक्रम आयोजन कर रही है। चूँकि 8 तारीख को शिवरात्रि थी इस वजह से हम आज इकट्ठा हुए हैं और हम जब माहवारी से संबंधित कार्य करते आ रहे हैं पिछले 7 वर्षों से, तो हमने इस बार यही सोचा है कि ये महिलाओं के लिए बहुत ही सम्मान और गर्व की बात है, क्योंकि बिना माहवारी के कभी भी हम एक मातृत्व का सुख प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम सृष्टि को जन्म देते हैं, इसलिए इस चीज़ से शर्म और संकोच नहीं करना चाहिए। तो इस विषय को सम्मान का विषय मानते हुए आज हम ओपनली इस तरह से सबके बीच शामिल हुए हैं ताकि हम पैड देके और महिलाओं को क्राउन पहना के, ये उनका सम्मान है, खुद का सम्मान है, ताकि वो इस चीज़ को शर्म ना करें, इसलिए हम आज यहाँ इकट्ठे हैं। अब तो मैम मातृत्व के नाम अब थोड़ी थोड़ी जागरूकता आई है, क्योंकि हम विशेषकर जागरूकता के लिए कार्य कर रहे हैं। पहले लोग नहीं निकलते थे, बात नहीं करते थे, पर अब बहुत सारे चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच, आज आपने अनुभूति फाउंडेशन ने मुझे बुलाया इस प्रोग्राम में। मैं तो इस काम का कार्यक्रम का मोटो सुन के ही बहुत अभिभूत हूँ। इतना नेक काज है, इतना नेक काम, और आप लोग इतने सहृदयता से और बेखौफ कर रही हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि हम कहीं शर्म नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं तो ये पहले समय में बताने में भी लोगों को
झिझक होती थी कि मुझे माहवारी चल रही है या ये है। आज ये समय, ये मौसम, ये ऐसे आप लोगों ने ऐसी भलाई में और हर जगह ऐसा एक भाव पैदा कर दिया है कि आप आज बच्चों के बेस्ट फ्रेंड भी उनको बताते हैं कि आपका टाइम ठीक नहीं है, आपको केयर करने की ज़रूरत है। माँ बाप बहुत भाव से लेते हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। इस चीज़ को हमें और आगे बढ़ाना है और आगे इस झिझक को ख़त्म करना है। हमें शहर गांव हर बेटियों के पास और हर बेटों को पता होना चाहिए, तो नेचुरल प्रोसेस है, इसको हर बेटों को पता होना चाहिए कि इस समय में एक महिला को थोड़ी दिक्कत होती है, उसको बहुत प्यार और स्नेह की ज़रूरत है और हमें वो देना ही चाहिए। वो हमारे घर में झिझक ख़त्म करनी होगी और ये काम सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को करना है। हमें बताना होगा भाई को कि मेरे पीरियड्स का टाइम है और मुझे थोड़ा सा वो करना है इस समय, थोड़ा मुझे फिजिकली कम ऐसा महसूस होता नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होती। बहराला फाउंडेशन के द्वारा लगातार समाज हित और महिला हित के लिए कार्य किए जा रहे हैं, जो कि अत्यंत सराहनीय है। एसीएन न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट। ग्राम गनियारी में हुए दोहरे हत्याकांड में दुर्ग पुलिस संदेहियों से पूछताछ में जुटी हुई है। वहीं अब एक्सपर्ट की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर मुआयना कर घर को सीलबंद किया। दुर्ग के ग्राम कन्यारी में 6 मार्च की देर रात हुई राजवती साहू एवं उसकी पोती सविता साहू की निर्मम हत्या के मामले में दुर्ग पुलिस जांच कर रही है। बता दें, पुलिस संदेहियों से पूछताछ में लगी हुई है। कुछ संदेहियों के मोबाइल भी ट्रेस किए जा रहे हैं, परंतु पुलिस को अब तक कोई सफलता मिलती नजर नहीं आ रही है। इस मामले में पुलगांव थाना के प्रभारी विजय यादव के नेतृत्व में पुलिस की टीम अलग अलग एंगल से जाँच में लगी हुई है। कई तथ्यों को यहां पर खंगाला जा रहा है। जानकारी के मुताबिक संदेह के आधार पर पुलिस ने मृतिका के परिवार वालों को तिज नहावन कार्यक्रम के बाद ही नागपुरा चौकी में लाकर पूछताछ किया। साथ ही गांव के एक व्यक्ति को भी पूछताछ के लिए लाया गया था, परंतु पूछताछ के बाद पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा। उस युवक के मोबाइल के टावर लोकेशन को भी पुलिस ने ट्रेस किया, परंतु उस युवक का घटना के समय किसी दूसरे गांव में चौथिया कार्यक्रम में शामिल होना मोबाइल लोकेशन बताया गया। इस बात की पुष्टि हुई कि वह युवक कुछ दिन से गांव में नहीं था और चौथिया बारात कार्यक्रम में शामिल होने दूसरे गांव चला गया था। और साथ ही बताया जा रहा है कि जिस घर में घटना घटी है उनके ही पड़ोस में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, लेकिन जब पुलिस ने उसे जांच में लिया तो सीसीटीवी ही खराब निकला। शनिवार को 3 लोगों की एक्सपर्ट टीम घटना स्थल पर पहुंची और मुआयना किया। जिस घर में हत्या हुई है उस घर को सील कर दिया गया है। पड़ोसी के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी सुधारा जा रहा है। पुलिस के मुताबिक घटना के 2 दिन पहले राजवती साहू का उसके पड़ोस वालों से किसी बात को लेकर विवाद भी हुआ था। पुलिस इस एंगल को भी ध्यान में रख कर जाँच कर रही है। फिलहाल पुलिस के हाथ खाली हैं, परंतु पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।